पंजाब से हैं गुरमेज जी, स्वागत है आपका। जी मैडम जी, ठीक जी ठाक हूँ। सर, मैडम जी, 3 साल से बात करनी थी। मैंने दवाई मंगाई एक दो बार आगे। हाँ जी बात हो रही है भाई, बताइए क्या सेवा है। जी, 3 साल जी, सत श्रीकाल जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। हकीम साहब जी, आपसे मैं दवाई मंगाई थी काला गुण दर्दों के लिए। पीठ जी से दर्दा होती है जी, 2 बारी मंगा चुका हूँ, आगे और मंगानी है। इसका कितना लंबा लाल चलेगा? ये बताएं, कितना फायदा है आपको? मैनू कोई 25-30% फायदा हो गया अकेला। अच्छा, कितना ले रहे हैं आप? अभी तक तो पूरा फायदा होना चाहिए था। एक चुटकी सवेरे, एक चुटकी शाम को। हाँ, तो आप कम ले रहे हैं, दो दो चुटकी लीजिए। दो दो चुटकी सवेरे, दो शाम को। हाँ, बस एक बच्चे की खुराक अच्छा, पहुँच रही है आपके पेट में, एक बड़े की खुराक दो दो चुटकी, यानी आधा आधा ग्राम तकरीबन होता है। और ये 2 महीने और ले लें तो मुझे उम्मीद है कि पूरा फायदा मुमकिन है, और ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं, इसे लंबे वक्त तक भी ले सकते हैं। बस वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और वज़न ना उठाएं। ये आप पर, अगर आप इस पर इसको अपने आप पर लागू कर लें, वेस्टर्न टॉयलेट, तो और जल्दी फायदा मुमकिन है। जी दिव्या है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। भाई साहब नमस्ते। जय हिंद दिव्या जी। हाँ जी भाई साहब, मेरे पे आपसे पहले बात हुई थी। मैंने आपके यहाँ से दवाई मंगाई थी, गोंद सिया और गोंद बोरिंगा और जैतून का सिरका भी, जिसमें मैं मीठा सोडा डाल के ले रही थी। जी तो डॉक्टर साहब, मेरे को तो बहुत ही आराम है, बहुत ही। मैं तो दिन रात आपको दुआएं देती हूँ। और आप कभी रिटायर मत होना, ये बात आप कभी मत कहिएगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि टीवी पे देख देख के ही हमारा हौसला बढ़ता रहता है। आप कहाँ जिस दिन से आप बात कहते कर हैं रही ना, हैं दिव्या जी? आप बहुत अच्छी लेडी हैं। कहाँ से बात कर रही मैं हैं? ग्रेटर नोएडा से कर रही हूँ जी। ग्रेटर नोएडा से। हाँ जी, अच्छा, और क्या कहना चाहती हैं? देखिए और आजकल हकीम साहब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब मैंने आपका जीरे का वो मंगाया, सिरका। एक तो मुझे आप उसका वो तरीका बता दें लेने का, और दूसरा मेरे ना मतलब हिप से लेके नीचे पैर तक उल्टी तरफ टांग में कभी कभी दर्द होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप अगर हेल्दी हैं टांग, क्या? हाँ जी आप हेल्दी हैं? हाँ जी, मैं हेल्दी हूँ जी, इसलिए मीठा सोडा ले रही हूँ ना जैतून में डाल के सिरके ठीक में। है ठीक है दिव्या जी, ये सिरका आपने मंगा लिया, दो दो चम्मच दो तीन बार पीजिए। डाइट भी कंट्रोल करिए, जितना खाना खाते हैं उससे आधा खाइए। अगले कॉलर हैं मेरठ से, पूनम जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मैम, मेरे जोड़ों में दर्द था, मैं दवाई खा रही हूँ, गोंथिया खाया मैंने 2.5 महीने, और गोंथिया से दर्द तो बढ़ गया बहुत ज्यादा, लेकिन कवर नहीं हो रहा। फिर आपकी कंपनी से हमने टी केयर मंगाया, उन्होंने बोला टी केयर ले लो। 10-12 दिन से मैं टी केयर ले रही हूँ, और दर्द हल्का सा कंट्रोल हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है दर्द में। बेटा, और दूसरा सवाल मेरा ये है, 3 साल का बेटा है, वो साफ नहीं बोलता, 4 साल 4.5 साल का बेटा है, ठीक। और उसका रंग भी थोड़ा डार्क है। और तीसरा सवाल मेरा ये है, मेरे हस्बैंड के चोट लग गई थी एक्सीडेंट में, उनके हाथ के अंगूठे में गुम चोट है, वो दर्द नहीं जा रहा। ठीक है, आपकी और उम्र क्या है? आपकी आपके 35 साल है ठीक है ठीक है। जी। अच्छा बेटा, आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी ज़्यादा, थोड़ा कम मेहनत करें, वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। अब फ़ायदा शुरू हुआ है आपको आकर, और 5 दिन तक लगातार इस दवा के साथ दर्द की दवा ले लें, बस काफ़ी है आपके लिए। और 2-3 महीने लगातार इलाज करें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, झाड़ू पोंछा बंद कर दें, वज़न ना उठाएं, तो जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। किसी किसी को देर में फ़ायदा होता है, फ़ायदा शुरू हो गया तो फिर आपको इत्मीनान आ जाना चाहिए, 2-3 महीने में आपको फ़ायदा मुमकिन है। बच्चे को जब दूध पीता है बच्चा, तो उसमें के दूध में
बादाम का तेल, अच्छे किस्म के बादाम का तेल एक चम्मच मिला के पिला दिया करें। बच्चे की परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। और यही जो दवा आप खा रहे हैं टी केयर, अपने हस्बैंड को रोज़ाना एक खुराक या दो खुराक दिया करें, खाने के बाद उनका भी फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं यूपी से जय, स्वागत है आपका। हाँ जी जी सर। हेलो मैडम जी, आपको और बैद्य को दोनों को ही नमस्ते। नमस्कार सर। जय। मैं बैद्य, मुझे थकान महसूस होती है कि काम करने के बाद कोई काम कर पाऊंगा। हेलो। थकान महसूस होती है और क्या कहना चाहते हैं? मेरी एज है लगभग 45। आपकी उम्र 45 है सर, आपको थकान महसूस होती है और काम करने के बाद थकान महसूस होती है और गैस की मुझे दिक्कत है। ठीक है, गैस की दिक्कत। देखिए बहुत सही उम्र में आपने फोन किया है और गैस की दिक्कत बड़ी अजीब है और इसको हम हल्के में ले लेते हैं। और ये बीमारियों की जननी है, जो पेट में कुछ भी चेंजेस आने लगे, चाहे गैस हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, ये आदमी को बीमारियां पैदा करती है। तो गैस का इलाज कर ले, थकान अपने आप चली जा सकती है। और मेरा एक बहुत मशहूर नुस्खा जो घर घर तक लोगों तक पहुंचा, आप भी लिख लीजिए। और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के रखा करें। ये 10-12 रोगों में काम करता है। एक आता है नमक जैतून, वो भी 100 ग्राम लेके अलग से रख लें। ये जो 6 चीज़ें हैं इनका पाउडर बना लें, एक चम्मच खाएं और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी में मिलाकर ये ले लिया करें रोज़ाना, बस एक दफ़ा या दो बार। ये हमारे 10-12 रोग, एसिडिटी, गैस, कब्ज, बवासीर, 4 रोग ये हो गए। और इन्फेक्शन पेट का, आंतों का या यूरिनली का, पेशाब का इन्फेक्शन, ये 7 रोग हो गए। किडनी की बड़ी सफाई रखता है, क्रिएटिनिन को कम करता है, जो गंदगी बढ़ जाती है जिससे डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत काम करता है। और खून की सफाई करता है, स्किन के रोगों को ख़त्म करता है, लीवर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, मुहासे, दाने, खुजली और सोराइसिस में बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे इस्तेमाल किया करें, फ़ायदा उठा सकते हैं। जी अंजू जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हाँ मैं जैसलमेर से अंजू जी बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल है, लिख लीजिए। जी। एक मेरी बेटी है 21 साल की, उसके खून की कमी है, पढ़ाई करती है वो और खून की कमी है, उसको चक्कर आ जाते हैं कभी भी, ऐसे हालत खराब हो जाती है, जैसे पढ़ने जाती है तो वहाँ पर भी ऐसे हालत खराब हो जाती है, कभी बुखार भी आ जाता है उसको ऐसे ही, और कमजोरी बहुत है उसको। वजन तो उसका 55 किलो है लेकिन उसको चक्कर आते रहते हैं, खून की कमी बता रहे हैं डॉक्टर उसको। कितना आया उनका खून, कितना बताया डॉक्टर ने, कितना है? 8 पॉइंट है। ठीक है। और पहले एक बार किडनी में भी उससे इन्फेक्शन हुआ था, तो आपका वो नमक दे रही हूँ अभी मैं उसको जूस में, तो उससे तो मुझे 15 दिन से दर्द नहीं उठा, नाभि के नीचे साइड में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, वहाँ पर जो 5 मिनट गोली देते हैं तो रुक जाता है, बाकी जांचें वगैरह सारी कराई, कुछ भी नहीं है जांचों में, वो डॉक्टर बोल रहे कोई बीमारी नहीं है इसको। और इन्फेक्शन था उसको पहले, एक बार हुआ था किडनी का 2-3 महीने पहले हुआ था, उसके बाद में अब बोल रहे इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन दर्द वाली एक बीमारी हो गई थी इसको, लेकिन नमक जैतून से उसको इतना आराम आया कि 15 दिन से उसको दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन वो खून की कमी से बेचारी वो बहुत वो हो रही है, पढ़ाई करने बाहर जाती है तो ऐसे चक्कर आ जाते हैं, घिर जाती है। और दूसरा सवाल मेरा है कि मैं वो घुटनों का वो गोमतिया ले रही हूँ, तो मेरे क्या वो अकड़न है अभी, दर्द भी है, वो एक डिब्बा तो मैंने पूरा कर लिया, अगर आप बोलो तो एक डिब्बा और मंगवा लूँ क्या मैं? अकड़न बहुत है, चलती हूँ जब अकड़ते हैं, दर्द तो है कम हुआ है दर्द तो उससे,
वो जो लचक थी ना वो तो खत्म हो गई, वो लचक थी, वो पहले चलती थी तो जैसे टूट जाएंगे, तो वैसी वो वाली दिक्कत नहीं है अब, उसमें तो आराम है मुझे। ठीक है, लेकिन अकड़न बहुत है अभी भी, दर्द है थोड़ा बहुत और अकड़न है कमर से या पैर में, एक पैर में ही दर्द होता है, जैसे पहले दोनों में होता था चलती थी तो, एक पैर तो मेरा ठीक है और एक पैर में चलने पर दर्द होता है। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, भगवान आप दोनों से बड़ा राजी है, बहुत पसंद करता है आपको और फ़ायदा शुरू कर दिया, बच्ची का दर्द उसके बाद नहीं हुआ। और बच्ची को यही देना है जो दे रहे हैं, नमक जैतून, अभी बहुत दिन नहीं हुए, और अलसी ले लें, थोड़ी सी अलसी 200-300 ग्राम खरीद कर साफ़ करें, कंकर वंकर भी मिला देते हैं बेईमान लोग, और उसको हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें, और ये अलसी का आधा या एक चम्मच दें और फिर ये नमक जैतून दें, तो बच्ची को खून भी बनना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी अच्छी हो सकती है। बच्ची को एक एक्सरसाइज बता दें, ये वाली, ये दिन में जितना भी हो सके किया ये वाली एक्सरसाइज, तो चक्कर भी बहुत जल्द बंद होंगे, ये लीवर को भी फ़ायदा शुरू हो जाएगा, लीवर का काम है जिम्मेदारी खून बनाने की, और आप को भी भगवान ने फ़ायदा दिया है। यूनानी दवाओं से बस यही होता है कि एकदम से सारा फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा सा फ़ायदा रोज़ होता है। आप हमारे साथ जुड़ी रहें, ये और इस्तेमाल करें 2-3 महीने, वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी आप भी पूरी तरह अच्छी होने वाली हैं। झाड़ू पोछा भी ना करें, वज़न भी नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, और बहुत जल्द आप दोनों पूरी तरह स्वस्थ होने वाले हैं। अगर हमारे किसी नुस्खे से हमारे किसी व्यूअर को फ़ायदा हो, तो हमारा एक अनुरोध है कि ये नुस्खे अपने तक ना रखें, लोगों तक पहुंचा दें ताकि दूसरे लोग भी रोग मुक्त हो सके। जी, दिल्ली से हैं श्री प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, अकीम साहब से बात करनी थी मैडम जी। जनाब आपका स्वागत है, जय हिंद। नमस्कार अकीम साहब। जय हिंद जय हिंद, बताइए क्या सवाल मेरे को। अकीम साहब, एक तो गोंदिया मंगाया था जी आपके यहाँ से, उसको जब मैं लेता हूँ तो वो मुँह में सी पकता है जी, एक तो इसका बताएं मेरे को। और जैसे आपकी संस्था से एक दो दवाई चल रही है तो उसके लेने का ब्रेक कितना होना चाहिए? एक ये सवाल है जी। और एक पिताजी के बारे में पूछा था मैंने आपसे, 2-3 दिन पहले कॉल करी थी आपसे, बात हुई थी, तो 80 साल उनकी एज है, उनको मेन प्रॉब्लम तो कब्ज की है जी, और दूसरा बीपी रहता है जी, शरीर में कमजोरी है और मेमोरी वीक है, एक उसके बारे में पूछना था आपसे। आपको कुछ फायदा शुरू हो गया? मैं वो गोंदिया तो ले रहा हूँ जी, लेकिन लेता हूँ ना तो वो जैसे मुँह में डालते ही इधर उधर चिपक जाता है जी, उसका लेने का तरीका थोड़ा बता दीजिए। हाँ, नहीं, कितने दिन से ले रहे हैं, कुछ फायदा शुरू हुआ? अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है जी। अच्छा, फायदा अच्छा, तो है मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ देखिए, गोंद को लेने का तरीके कई हो सकते हैं, मलाई में मिला लें, थोड़ी देर छोड़ दें तो ये मलाई को पी लेता है आधा घंटे के अंदर, या इसको पानी में मिला दें, ज़रा से पानी में, एक चम्मच पानी में, आधा चम्मच पानी में डाल के छोड़ दें तो ये पानी को पी लेगा, और आप जब इसे खाएंगे तो फिर मुंह में नहीं चिपकेगा, बल्कि पानी के साथ आप ले सकते हैं, शहद में मिला के ले सकते हैं, कड़वा तो होता है ये, और अभी शुरुआत हुई है। जिस तरह से आप, इसकी गोलियाँ भी बनाई जा सकती हैं और खाली कैप्सूल मिलते हैं उसमें भर के ले सकते हैं, तरीका वो जो आपको आसानी से हो जाए, इस तरह लेना शुरू करें, अभी फ़ायदा शुरू हो जाना चाहिए। और पिताजी का ऐसी ख्याल रखिए, देखिए बहुत कीमती हैं दुनिया में माँ बाप, जिनके भी जिंदा हैं वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं, और पिताजी के लिए कोई नुस्खा अगर आपने नहीं लिया है तो उनके लिए एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी
खाने का सोडा, नमक, जैतून असली लें और दो गिलास पानी में मिला दें, मिक्स हो जाता है आसानी से, पानी का स्वाद भी नहीं बदलता। ये पानी उन्हें पिलाना है और अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी तो आप जानते हैं, अलसी और धनिया हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के रख लें, एक चम्मच ये दोनों का पाउडर खाएं और ये पानी पिला दें दिन में एक बार या दो बार, बस आपके पिताजी भी स्वस्थ हो सकते हैं जी।